कॉफी। मैं तुम्हारी जगह पर होती तो कभी उसे अपने पैसे नहीं देती। जिसका तुम नाम तक नहीं जानते उसके लिए तुमने अपना करियर तक बर्बाद कर दिया। आई एम रियली टच्ड, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड। सॉरी आप क्यों कहेंगी? सॉरी तो मैं आप कहूंगा। क्यों कहेंगे? परसों जो आपको लड़का देखने आया था हाँ, उसको क्या हुआ? मैंने कहा था कि तुम्हारे साथ मेरा डिंग डोंग है, डिंग डोंग? यानी हमारे बीच डिंग डोंग चल रहा है। व्हाट, आर यू सीरियस? उस समय सीरियस था इसलिए ऐसा कह दिया। आई एम सॉरी, वो सब मेरी वजह से हुआ। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ ना। थैंक यू वेरी मच। आपने जो किया उससे उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल गई। अनजाने में ही सही, आपने मेरी बहुत मदद की और मैंने अनजाने में ही आपके साथ बहुत अन्याय किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। फ्रॉम नाउ वी आर फ्रेंड्स, ओके? कंफर्म ना? या कंफर्म? हाँ, तो फिर मेरी लव आई मीन लावण्या को और उसकी फैमिली को आप अगर एक फोन करके मेरे ऊपर जो डाउट है वो दूर कर देंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, बात करूंगी ना। श्योर, ओके। हाँ, भूलिएगा मत, फर्स्ट फर्स्ट थिंग थिंग इन इन द द मॉर्निंग। मॉर्निंग। या हाँ श्योर। सुनीता जी, मेरे बारे में? हाँ? अच्छी बातें करनी है यही ना? थोड़ा डिटेल में बताइएगा। आप हाँ हमारे बारे में नहीं जानते। हम दोनों जब इतने से थे ना तब से फ्रेंड्स ओके, हैं। 2 मिनट में अच्छा। आपका प्रॉब्लम हाँ सॉल्व हाँ कर हाँ दूंगी। हाँ ए, फोन उठाओ जल्दी से। हाँ, हेलो, हाय लव। ए, हाय सुनीता, अंकल कैसे हैं? अच्छे हैं, कल ही डिस्चार्ज हुए हैं। लव, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है, बोलना। कल मैं तुम्हारे रवि से मिली। एक्चुअली उसके बारे में जो कहा था। इमली वाले की बात कर रही है? हाँ, उससे क्यों मिली? पहले मेरी बात तो सुन लव, हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो तेरी नजर में बहुत अच्छा इंसान होगा लेकिन मेरी नजर में वो इंसान ही नहीं है। उसके जैसा धोखेबाज आदमी मैंने ए, आज फोन दे तक। मुझे। देख बेटी, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। तब तुमने उसमें क्या देख करके बुरा कहा और अब क्या देख करके अच्छा कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है हम अच्छी तरह जान चुके हैं। आइंदा उसके बारे में बात करने के लिए यहां कभी फोन मत करना। क्या कहा? यही कहा ना कि यकीन नहीं है। अगर उसके बाप को जिंदा जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम भी इमली वाला मेरी रवि बात नहीं है। सुनो। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? लव तो मान गई ना? ओ, मान गई क्या? हाँ। शुक्र है, अब मेरी शेंटो हैप्पी होगी। तो फिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? वो मान गई है हाँ? लेकिन फैमिली मेंबर्स को मनाने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? हाँ। कितना टाइम चाहिए उसको? कितना मतलब? 1 मंथ। और 1 मंथ तक आप उससे बात मत कीजिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ तो ठीक है, एक ही महीना ना, पलक झपकते कट जाएगा। मुझे भी तो टाइम चाहिए। आपको क्यों? आपने मेरा रिश्ता तोड़ा, आप उसे फिर से जोड़ रही हैं। मैंने आपका रिश्ता तोड़ा था तो उसे भी तो फिर से जोड़ना चाहिए ना। उसके लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। बट ऑन 1 कंडीशन। वो क्या है? हम लोग आप करके बात नहीं करेंगे। कंफर्म ना? पक्का? मुझे भी यही अच्छा लगता है। ये आप जी ओ जी बेकार की घिसी हुई फीलिंग। अरे उठ यार, इस तरह की बात करना कितना फ्री लगता है। ए, चलना तू यहाँ पर क्यों खड़ी है? तेरी डिटेल नेट पे डालनी है, तब कोई आएगा ना, पसंद करेगा ना, तो फिर ढूंढना पड़ेगा। अगर वो पसंद नहीं है तो फिर से ढूंढेंगे। बहुत सारी चीजें करनी है ना अभी। चल, शादी की बात है, कोई आम बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा लड़का नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकती है। माँ, तूने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। 1 महीने के अंदर लावण्य को तेरी बहू बनाकर तेरे पास ले आऊंगा। ओके? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है, मैं जानती हूँ। लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? हाँ हाँ मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। हाय। वैसे देखने में तो ठीक ठाक है। देखने में तो ठीक ठाक है लेकिन आवाज सुनी इसकी एक्सक्यूज मी। जैसी। ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरा एज प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेरा हेल्थ प्रूफ, कॉन्टेक्ट सर्टिफिकेट, मेरा कैरेक्टर प्रूफ, मेरा सैलरी सर्टिफिकेट, मेरा सैलरी प्रूफ। ये सब क्यों दिखा रहे हो? इंसान धोखा दे सकता है लेकिन पेपर्स नहीं, इसलिए मैं पेपर वर्क पे यकीन करता हूँ। आज से अभी मेरी तरह रहिए। अरे पेपर का क्या है, फाड़ने से फट जाता है, इंसान पर भरोसा कीजिए। पता है सुनीता कितना अच्छा खाना बनाती है? आने वाले ने कभी सर्टिफिकेट दिया है क्या? पेपर वर्क।
खाएंगे तो पता चल जाएगा। खाने के बाद पता नहीं करता, पता करने के बाद खाता हूँ। पहले मेरी माँ खाएगी, फिर पिताजी खाएंगे, फिर पड़ोसी खाएंगे, फिर दोस्त खाएंगे, उसके बाद मैं। हेलो, चिपक क्यों रहे हो, चिपक क्यों रहे हो, दूर रहो। और ये सब क्या? अरे ये तो मेरा फ्रेंडशिप सर्टिफिकेट है क्या? सर्टिफिकेट, पेपर वर्क। डू यू पेपर वर्क एट कम मैन? पेपर वर्क, सर्टिफिकेट। आप सुनीता का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, मुझे भरोसा नहीं है। जितना मैं अपना सर्टिफिकेट का ख्याल रखता हूँ, उतना ही मैं सुनीता का भी अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। उसका सर्टिफिकेट है क्या? पहले किसी का ख्याल रखा है, उसका सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है ना? पेपर वर्क करके आइए। अगर नहीं है तो यहाँ से चलते बनिए। उठिए उठिए, दोबारा दिखे तो डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दूंगा। हाँ चले आते हैं, मुंह उठाकर। फर्स्ट डे ही फेल हो गए। अरे ये नहीं तो और सही, लिस्ट में बहुत सारे लड़के हैं, तुम फिक्र मत करो यार। ये मेरा फ्रेंड है अजय, सुनीता। हेलो, हाय, नाइस टू मीट यू। FedEx में चीफ एग्जीक्यूटिव है, अच्छा जॉब है, वेल सेटल्ड है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दैट, व्हाट अ कोइंसिडेंस यार। तुम यहाँ कैसे? ये मेरा रेस्टोरेंट है, दिस इज माय रेस्टोरेंट बेब। ये मेरी फ्रेंड है, दिस इज रवि, दिस इज अजय। ओह हाय, हाय, आई एम पू। पू मतलब किसी पक्षी का नाम है क्या? ओह डोंट बी सिली, दैट्स पूजा, बट माय फ्रेंड्स कॉल मी पू। ओके। Oh, I'm sorry. शायद आप लोगों की मीटिंग चल रही थी। Carry on. Bye. 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 I'm sorry. She's my old friend. So. अबे बच्चू, कम से कम बात तो कर। हाँ। कल बैटमैन फिल्म रिलीज हो गई है। आपने देखी क्या? नहीं देखी। मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखती। Oh. The last film I saw was Chak De. लेकिन Batman is my favorite. Batman. Oh, I love Batman. Oh my God. Batman is my favorite too. Is it? Joker, he's awesome. You won't believe this. मेरे पास बैटमैन की अंडरवेयर भी है। He's so silly. अंडरवेयर नहीं यार, लाइफ में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्या समझे? Oh, I'm so sorry. आप लोग शायद कुछ जरूरी बात कर रहे थे। Okay. Carry on. Bye. Bye. John. सुनीता, ये इंसान को समझने वाला एक नेक दिल इंसान है। तुम इससे एकदम फ्रीली बात कर सकती हो। You know what? अगर सामने वाला मुझे कंपनी दे ना, तो मैं उसके साथ कितनी भी देर तक बात कर सकती हूँ। दिखाई दे रहा है। वो रवि को जोक करने की आदत है। But life is not a joke, huh? Exactly. मेरा भी यही कहना है। लेकिन ये किसी भी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में होती है क्या? सब साईं बाबा की कृपा है। साईं बाबा, I love साईं बाबा। He's my favorite भगवान। He's just so amazing। मैं भी साईं बाबा को बहुत मानता हूँ। Oh my God, बातों में I totally forgot। आज Thursday है। It's आरती time। Okay, I'm leaving now। Bye bye bye। See you। रुको, मैं भी आता हूँ। चलता हूँ रवि। Bye सुनीता। Okay, come on। बाद में मिलते हैं। अच्छा तुम्हारा native place कौन सा है? नागपुर। इसे तुम्हारे लिए लेकर आया था, वो उड़ा के ले गई। पू कहती है, पू। पूजा और अजय ने शादी कर ली, पता है तुम्हें? ये बैड न्यूज़ मुझे भी अभी पता चली। दोनों भक्त बनकर गए और पति पत्नी बनकर वापस आए। सब बाबा की दया है। हाँ, तो है। हम लोग दोनों उसकी शादी में तो नहीं जा पाए, एटलीस्ट रिसेप्शन में जाकर विश तो कर सकते हैं ना? दो दिन ही हुए दोनों को मिले हुए, दोनों ने शादी भी कर ली। सब बाबा की दया है। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा? हाँ, अमेरिका में शादी का नाम लेने की देर है, लड़के लड़कियां जमा हो जाते हैं। इसे बैचलर बाजार समझो, तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। हाँ। वो सब छोड़ो। हाँ। मैं कैसी लग रही हूँ? ओह हा हा, इतनी अच्छी लड़की मेरे हाथ से निकल गई। शैंटू, अपनी तो किस्मत ही फूट गई। बस भी करो, हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं चलती। इसीलिए तो यहाँ पर आए। चलो चलो चलो। हाय पू। पू पू कर मेरे दोस्त को उड़ा कर ले गई। अब सुनीता के लिए दूसरा ढूंढना पड़ रहा है। तुम दोनों की वजह से हमारी शादी हुई, इसलिए लड़का हुआ तो साई रवि नाम रखूंगा। हाँ, साई सुनीता। हाँ, नाम हमारा और शादी तुम्हारी, अच्छा है यार। हाय, हाउ आर यू? या श्योर, व्हाई नॉट। ये कौन है बे? You don't know him? No. No. He's the most eligible bachelor in town. Oh. हर मैगज़ीन के कवर पर यही होता है। ये घर नहीं जाता क्या? You're so funny. Wow, how beautiful. पसंद आ गया क्या? Of course. He's so handsome. Confirm ना? तुम थोड़ी देर इनसे बात करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ. Recently I have done a Excuse big deal. Excuse me. Hi. I'm sorry. I'm talking. Ravi. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फॉरेन में मेरे जितने भी असाइनमेंट्स हैं। आप कवर पेज पर अपना फोटो छपवाने के लिए कितने पैसे देते हो? व्हाट? मुझे भी अपना फोटो छपवाना है ना।
मेरे फोटोज और मेरे इंटरव्यू के लिए मीडिया मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे नबी, वो तुम्हें बुला रहे। सुना नहीं तुमने, इनके पास टाइम नहीं है, चलो जाओ। चीप पब्लिसिटी के लिए टाइम नहीं है। रिलैक्स मैन, आई थिंक ये सारी लड़कियां आप ही के बारे में बात कर रही हैं। वैसे आपको कैसी लड़की पसंद है? बहुत सिंपल होनी चाहिए। सिंपलिसिटी में जो ब्यूटी होती है ना, वो किसी चीज में नहीं होती। मतलब वैसी क्या? मैं भी उधर गई थी। हाय, शी इज नाइस। आपको पसंद है ना? पसंद मतलब अच्छी दिखती है, लेकिन फ्रेंडली नेचर की नहीं लगती। फ्रेंडली नेचर वाली चाहिए। देता हूँ। हेलो, आप यहाँ पार्टी में अकेली हैं क्या? तो फिर क्या करूँ? और वहाँ पू परेशान हो रही है। क्यों? पू बहुत बिजी है ना, गेस्ट को रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। तो जाओ वहाँ, जाकर रिसीव करो सबको और फ्रेंडली पेश आओ। यू कैन डू इट, गो। बाग में फूलों के खिलने पर जितनी तितलियां नजर आती हैं, यहाँ लड़कियां नजर आ रही हैं यार। नजर एक जगह ठहर दी रही है। पहले सब इसी तरह फुदकते हैं, बाद में जिंदगी भर खून के आंसू रोते रहते हैं। आप लोग शादी करके सेटल नहीं हो सकते क्या? देखिए लड़कों को देखकर कैसे पेश आ रहे हैं। देखिए, जब हम कार ड्राइव करते हैं ना, तो गली के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। वो ड्राइविंग करना चाहते हैं क्या? नहीं ना, ये भी वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मेरे पालतू कुत्ते हैं। हे शरद, आई एम बैक। अरे यार, कहाँ चले गए? थोड़ी जोर की लगी थी यार, हल्का होने गया था। ओके, ये क्या? जरा वहाँ तो देखो। He's so funny. He's just like that. हम तो समझ रहे कि ये फ्रेंडली नहीं है, लेकिन देखो सबसे कैसे घुल मिल कर बात कर रही है। पर इतना ओवर भी नहीं होना चाहिए। This is too much, ना? Now she is looking friendly. हाँ, yeah. Here. वो actually friendly nature की है. In fact, my kind. Like her. Oh, मतलब लड़की पसंद है, सुनीता? It means तुम उसे जानते हो? आप मुझे जानते हैं क्या? No. कोई बात नहीं, जान लेते हैं। आओ सुनीता, ये तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। शरद, सुनीता, नाइस टू मीट। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। okay? आप न्यूयॉर्क में कहाँ रहती हैं? क्या कर रहे हैं अंकल? दो पे गौर मार लीजिए, आपकी बेटी की शादी समझो फिक्स हो गई है। थैंक यू किस लिए अंकल, कल घर आऊंगा तो सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। ओके ओके, बाय अंकल। अच्छा, दूसरों का मामला फिट करना तुम्हें अच्छी तरह से आता है, लेकिन दोस्तों का जरा भी क्या हुआ यार? सबकी एनर्जी कम हो रही है, देखो सब कितना डर लग रहे हैं। शावि, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। दिस पार्टी इज नॉट हैपनिंग यार। द पार्टी इज नॉट हैपनिंग, इट हैज टू रॉक। लेट द पार्टी रॉक मैन। प्लीज प्लीज लीव मी, आई डोंट लाइक दिस। प्लीज लीव मी। सुनीता, डोंट हेजिटेट, कम ऑन डार्लिंग। लुक एट मी, लुक एट यू रास्कल, व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू डू? हाउ डेयर यू हिट मी? जा, क्या कर लेगा तू? कर ले जो करना है, चल। रवि, रिलैक्स, ये इंडिया नहीं है। लेकिन मैं इंडियन हूँ, जान ले लूंगा इसकी। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मेरी शादी नहीं होने वाली। तेरी शादी होने तक चैन से नहीं सोऊंगा, ठीक है ना? लेकिन मुझे नींद आ रही है, चले क्या हम? अरे छोड़ ना यार रवि, टेंशन में। सुनीता के रिश्ते की बात कहीं जम नहीं रही है? सब लोग तेरी लावण्या जैसी लकी थोड़ी ना यार। लावण्या से याद आया यार, आज उसका जन्मदिन है। ओए, हैप्पी बर्थडे। मेरा नहीं यार, लावण्या का। मैंने तुझे विश किया तो उसको विश कर। मुश्किल है यार, सुनीता ने शर्त रखी कि उसे एक महीने तक डिस्टर्ब मत करना, अभी तो तीन दिन बाकी है। अरे पागल, कहीं कहीं कंडीशन इम्पोर्टेंट नहीं है, ओकेजन इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या? ये ले फोन पकड़, लगा दे कि मैं लगाऊं। हां मैं लगा लेता हूं। ऊपर ऊपर। हेलो, मैं कौन? मैं रवि, न्यूयॉर्क से। पहचाना नहीं क्या? ओह, गैप ज्यादा हो गया ना। तो तुम हो, क्यों फोन किया? आज तुम्हारा बर्थडे है तो विश करना था। जानता हूँ एक महीना नहीं हुआ है, पर एक महीना क्यों? सुनीता ने बताया तुम्हें अपने घर वालों को शादी के लिए मनाने के लिए एक महीने का वक्त चाहिए, इसलिए। ओहो, उसने तुम्हें ऐसा कहा, इसलिए वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी। पर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बात करनी है तो आइंदा मुझे फोन मत करना। मुझे फोन करने से पहले उससे पूछ लेना था, आइंदा मुझे परेशान मत करना। हाय, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। जॉब इन एपेक्स सॉफ्टवेयर, डैडी के फ्रेंड है वो, तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे, सब सिखा देंगे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लावण्या से बात की क्या? हाँ, तुमने झूठ बोला था ना कि लावण्या ने एक महीने का समय मांगा है। जब तुम अपनी माँ की खुशी के लिए झूठ बोलते हो तो मैंने भी तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा। खेलो तुम भी, सब लोग मेरे साथ खेलो। इसी गुस्से की वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला था। थोड़ा टाइम लेकर लावण्या को मना लूंगी, यही सोचकर। जरूरत नहीं है, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। माँ को सच्चाई बताकर उनसे माफी मांग लूंगा। तुम्हारी शादी हो जाए इतना ही बहुत है। डेट्रॉइट में, अरे सुनो, क्या है? श्याम सुंदर जी डेट्रॉइट में प्रेसिडेंट हैं, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। वेल सेटल्ड है, तुम हाँ कहो तो। तुम ढोल बजाओगे और मैं नाचूंगी, यही सोच रहे हो क्या?
मुझे अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट पर यकीन नहीं है रवि। वो कौन है, क्या है, ये सब जाने बिना मैं भला शादी कैसे कर सकती हूँ? ओहो, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। उसके लिए भी सोल्यूशन है ना। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। समझो तुम रोमांटिक फिल्म देखने के लिए थिएटर गई, अंदर जाने के बाद पता चला हॉरर फिल्म है, तो तुम फिल्म छोड़कर आओगी? जमा नहीं। चलो छोड़ो, आओ बैठो बैठो। एग्जाम्पल वीक लग रहा है ना, लेकिन अरेंज मैरिज बहुत ही स्ट्रांग होती है। देखो, पसंद करो और मंगलसूत्र पहना दो, बस सिंपल। तो लड़के के बारे में कैसे पता चलेगा? पूछने से पता चलेगा ना। फर्ज करो कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, इमली वाला रवि सन ऑफ शांति देवी तुम्हें देखने आया है। जस्ट समझो, समझो, जस्ट फॉर फन। ओके, समझो। समझ ली, अब क्या? ओके, बोलो। कितने दिनों से यूएस में हैं आप? 5 years। गुड, आई लाइक इट। मैं भी यहाँ 5 सालों से रह रहा हूँ। देखा ना कैसे मैच हो गया। दैट्स इट। बस इतना ही? और गहराई में जाना है? ओके, शादी के बाद आप जॉब करना चाहती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो क्यों करूं? मैं जॉब करूंगी तो आप खाना बनाएंगे क्या? पसंद नहीं है तो बता दो, कैंसिल कर देंगे। नो, आप ऐसा सोच रही हैं क्या? मैं भी एक ऐसे ही रिश्ते की तलाश में हूँ। लड़कियों को आजादी मिलनी ही चाहिए। आई एम अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, यू नो। अच्छा, बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी क्या राय है? पहले मुझे बेटी चाहिए। अगर तुम्हारे जैसे लड़की हुई तो उसे अपनी माँ के पास भेज दूंगा। मैं, मेरी बच्ची और शांटू, बस यही हमारा परिवार होगा। और मैं? तुम भी रहोगी ना, तुम्हारे बिना फैमिली कैसे पूरी होगी? पहले सासू माँ, फिर बच्ची, और उसके बाद फिर क्या? मैं छे, पहले तुम, उसके बाद वो सब। हाँ देखो, मेरा नाम सासू माँ और बच्चे के बाद लोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पता है जानू, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? सच? तुम्हारी कसम, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, सच। सिंपल। बाय। क्या हुआ बेटा, 2 दिनों से बहुत परेशान लग रही हो? रवि के बारे में आपका क्या ओपिनियन है डैडी? अगर कोई आकर मुझसे पूछे कि आपको कैसा दामाद चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे रवि जैसा दामाद चाहिए। रवि होगा तो नहीं चलेगा डैडी। क्या? शादी तय हो गई है, उनके बारे में सच्चाई पता चलने पर सब लोगों ने हाँ कह दी।